कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के टी शर्ट मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह टी शर्ट और अंडरवियर पर टिप्पणी बिल्कुल बचकाना था। जयराम ने कहा, अगर मैं इसकी असलियत बता दूं तो आप हंसेंगे, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। अगर वो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं तो वह बिल्कुल साफ है कि वह घबराए हुए हैं। जयराम रमेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ की फैक्ट्री ओवरटाइम काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। अगर ये जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये उनके डर को दिखाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा अब कुछ भी बोल रही है, झूठ की फैक्ट्री चल रही है। नहीं नहीं, देखिए ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर मैं बता दूं तो आप हंसेंगे, वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस पर नफरत और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने नफरत से लड़ने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। साथ ही इसका साक्षी बनने के लिए सड़कों के किनारे भी लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इससे पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या की, वे आज सवाल उठा रहे हैं, कैसा विकृत मजाक है। भारत जोड़ो यात्रा की भावना को ठेस पहुंचाने के ऐसे सभी प्रयास बुरी तरह विफल होंगे। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी की हैट फैक्ट्री एक घटिया ट्वीट वायरल करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उसका कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी का विशिष्ट तुच्छ तरीका है। भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देखकर ये हताश हो गए। बता दें कि जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होती है, जनता की चिंता होती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता के साथ बीजेपी के लिए चिंता हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 दिन में तमिलनाडु और केरल में हमारे संगठन में उत्साह देखने को मिला है, पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।